हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने लिख लिए होंगे और बुक भी फिल कर ली होगी। आज हम चैप्टर 3 के बाद जो कविता है उसको पढ़ेंगे। कविता का नाम है पेकुड़ के पंख। बच्चों, पेकुड़ के बारे में आपने कभी सुना है? पेकुड़ एक प्रकार का पक्षी है ना, चिड़िया है जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है ना, एक विशेष प्रकार की चिड़िया है। तो चैप्टर का नाम है उसके पंख, पेकुड़ के पंख। बताइए क्या हो अगर आपके हाथ से गिलास छूटकर गिर जाए, आवाज़ सुनकर माँ आ जाए, माँ नाराज हो जाए, फिर उसके चिल्लाने से दादाजी आ जाए। अब आप रोज़मर्रा से जुड़ी किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए। तो डेली यूज़ में भी ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जैसे कोई आदमी जा रहा है पेड़ के नीचे से, जा रहा है नारियल के पेड़ के नीचे से, जा रहा है अचानक नारियल गिर के उसके सिर पर पड़ा, गिरने से उसकी चोट लग जाने के बाद भी, और जब वो डर कर भागने लगा तो भागते भागते फिर पत्थर से टकरा गया, है ना। तो कुल मिला के कहना ये है कि रोज़मर्रा में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसका प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है ना। मतलब एक घटना दूसरी घटना के ऊपर प्रभाव किस प्रकार से डालती है, और अचानक ऐसा मतलब नहीं चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है कि कोई एक घटना जो है दूसरी घटना को प्रभावित कर देती है। जैसे इसको बोलते हैं कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, है ना, इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। ये बताता है कि कैसे एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है ना। तो ऐसे बहुत सारे अन्य उदाहरण भी है, जैसे गेंद का जमीन पर पटकना, डिब्बे का धकेलना, बोतल का लुढ़कना, पृथ्वी जो घूमती है, दिन रात होते हैं। इस तरीके से एक घटना दूसरी घटना को किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये अपन इस कविता में पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। ये जो कविता है, इस कविता में इसमें पेंकुड़ नाम की चिड़िया रहती है, ये कहानी है ना। ये जो कविता है ये कहानी है और ये कथात्मक कविता है। इस पाठ में लोक कथा को कविता के रूप में दिया गया है ना, और इसके द्वारा आप मित्रता, संयोग और अपनी भूल स्वीकार करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गिलहरी ने लीचू खाया, पेकुड़ ने टेटे शोर मचाया, गिलहरी को खूब डराया, पूरा लीचू नीचे आया। मतलब गिलहरी जो होती है वो लीचू, मतलब एक फल का नाम है फ्रूट्स, लीची इसको अपन बोलते हैं। तो गिलहरी जो खाने लगती है, तो जो पेकुड़ नाम की जो चिड़िया रहती है वो चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है और गिलहरी को डराने लगती है। जैसे ही गिलहरी खाने के लिए लीचू खाने की कोशिश करती है, उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर पीठ पर लीचू हिरन के आया, हिरन को उसने खूब डराया, खूब भगाया, पत्थर से वह जा टकराया। जैसे ही उसके हाथ से लीचू नीचे गिरता है तो वो हिरन को आकर लगता है, जिससे हिरन भी डर जाता है और वो भाग जाता है, और डरता है और खूब भाग, मतलब भगाता भी है और उसे डराता भी है। और जैसे ही वो भागता है तो पत्थर से टकरा जाता है। फिर लुढ़क पुड़क कर पत्थर आया, केले के पेड़ से जा टकराया, केला टूटा नदी में आया, केकड़े को उसने खूब डराया। जैसे ही वो पत्थर गिरा उसके ऊपर, पत्थर से जाकर टकराया, तो वो पत्थर जो केले के पेड़ से जाकर टकराया, फिर तो केला जो टूटा और नदी में गिर गया, और केकड़े को भी उसने खूब डराया। फिर केकड़े की जो आँख थी वो फूट गई, मतलब केकड़े की आँख थी फूटी, देखने की आस भी टूटी, सोचा हरजाना मैं ले लूँगा आँख फिर अपनी लूँगा। हरजाना मतलब दंड के रूप में कुछ देना, नुकसान की भरपाई करना। तो केकड़ा कहता है कि मैं इससे अपने नुकसान की भरपाई कर लूँगा या फिर अपनी आँख बनवा लूँगा। केला बोला, रोष न करो, इसमें मेरा तनिक न दोष, पत्थर से हरजाना ले लो, मैं भी लूँगा तुम भी ले लो। तो केला के कहता है, इसमें मेरा गुस्सा मत करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी ज़रा भी गलती नहीं है, पत्थर से हरजाना ले लो, मैं भी लूँगा उससे और तुम भी उससे ले लो। पत्थर बोला, दोष न मेरा, हिरन को पकड़ो, यह लो ढेला। वह भी बोला, दोष न मेरा, क्यों लीचू, यह काम है तेरा। तो पत्थर क्या बोलता है कि इसे मेरा भी कोई दोष नहीं है, हिरन को पकड़ो, ये हिरन की सारी गलती है, तो ये लो ढेला, ये लो सख्त मिट्टी का टुकड़ा, ये ले लो, और ये सब दोष उसका है, मेरा कुछ नहीं है। तो हिरन क्या बोला, क्यों, ये मेरा भी दोष नहीं है, तो लीचू का दोष है, क्यों लीचू तुम्हारा काम है। तो वो क्या कहता है, ना ना ये काम ना मेरा, गिलहरी ने मुझको तोड़ा। गिलहरी बोली, मुझे डराया, पेकुड़ ने सबको घबराया। बात किस पे आ जाती है फिर, गिलहरी पर।
गिलहरी वो लीची कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे को तो गिलहरी ने तोड़ा। तो गिलहरी क्या कहती है कि ये जो पैकुड़ नाम की चिड़िया है ना, इसी ने सबको घबराया। पैकुड़ बोली, सच कहते हो, क्षमा करो, तुम सब अच्छे हो, ले लो सारे पंख हमारे रंग बिरंगे सुंदर पैर। जो पैकुड़ नाम की चिड़िया होती है उसके बहुत सारे सुंदर सुंदर पंख होते हैं, अच्छे अच्छे है। तो वो कहती है कि इस सबके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, और तुम सब बहुत अच्छे हो, इसके लिए तुम मेरे पंख ले लो। फिर वो कहते हैं, पंख तो फिर उगाएंगे, इतने मित्र न मिल पाएंगे, आओ हम सब नाचे गाए, नए मित्र वहाँ खुशी मनाएं। जो पैंकुट नाम की चिड़िया कहती है, मेरे पंख तो वापस आ जाएंगे, इस चीज़ के लिए तुम हर जाना लेने के लिए मेरे पंख ले लो, लेकिन मुझे इतने अच्छे दोस्त तो फिर कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो आओ हम सब मस्ती करते हैं, नाचे गाएं और खुशियां मनाएं। पंख न लेंगे पैंकुट रानी, बोली तुमने मीठी वाणी, पंखों से सुंदर लगती हो, इनसे ही तो तुम सजती हो। तो सब दोस्त क्या कहते हैं, हम पंख नहीं लेंगे, इन पंखों से तो तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुमने इतनी अच्छी बात बोली है कि हम तुमसे हर जाना नहीं लेंगे, और तुम इन पंखों में ही तो बहुत अच्छी सुंदर दिखती हो, इसलिए हम पंख बिल्कुल नहीं लेंगे। पंखों की अब बात बुलाए, मीठे मीठे फल सब खाएं, देखो बादल गिर गिर आए, सब मित्र मिल खुशी मनाएं। फिर सब कहते हैं कि चलो पंखों की बात छोड़ो, भूल जाओ सब बातें, और अपन सब मीठे मीठे फल खाएं, और देखो बादल किस प्रकार से पानी बरसने जैसा हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है, अपन सब इस खुशी के माहौल में सब मिलजुल कर अच्छे से खुशियाँ मनाएं। तो ये थी आपकी पोएम कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में अपन ये अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है, वर्तनी देख लेते हैं क्या क्या है। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए, पेंकुड़, लीचू, रोश, तनी, क्षमा, ढेला, गिलहरी और वाणी। ओ क्या ऐसा क्या, ये कविता अरुणाचल प्रदेश की कविता की लोक कथा है। दो शहरों अरुणाचल प्रदेश व असम को जोड़ने वाला नदी पर बना सबसे बड़ा पुल डोला सदिया अरुणाचल प्रदेश में ही है। नदी पर बना सबसे बड़ा पुल डोला सदिया अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, आओ करें दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या पैकुड़ ने अपनी गलती मान ली थी, इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ पैकुड़ ने गलती मान ली थी। क्वेश्चन नंबर का है, कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें पैकुड़ अपनी गलती मान लेती हैं। तो पैंकुड़ बोली, सच कहते हो, क्षमा करो, तुम सब अच्छे हो, ले लो सारे पंख भी पंख हमारे रंग बिरंगे सुंदर प्यारे, ये वाली पंक्ति आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आओ करें टू, कविता की समझ के आधार पर दिए गए फ्लो चार्ट पूरा कीजिए। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में आओ करें थ्री, दिए गए कविता के अंश को कहानी के रूप में कॉपी में लिखिए। क्या है कविता, दिए गई कविता को लिखना है, कविता के अंश को, ये एक छोटा सा दे रखा है अंश, इसको आपको कहानी के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए पहले पढ़ते हैं कविता। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया, उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों से फिर उसने बूंदों से फिर उस पर जल बरसाया। हाँ, इसको कविता के, इसको कहानी के रूप में लिखना है, इसको कहानी रूप देना है, ये आप सेल्फ करेंगे। ठीक, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इस लाइन में एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, इसके एक दिन एक बीज को बहुत गहराई में बो दिया गया था, है ना, और उसी बीज के अंदर में था नन्ना पौधा सोया, तो उस बीज के अंदर एक छोटा पौधा छिपा हुआ था, है ना। जब उस पौधे को धीमी हवा का स्पर्श हुआ, मंद पवन मतलब मंद पवन ने उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, मतलब जब उस छोटे पौधे को धीमी हवा का स्पर्श हुआ, नन्ही नन्ही बूंदों से फिर उस पर जल बरसाया, तो स्पर्श हुआ तब वह जाग गया, और फिर छोटी छोटी बूंदों ने उसे जल देकर बड़ा किया, है ना। कुल मिलाकर आपको इसकी समरी इस तरीके से लिखना, आपकी लैंग्वेज अलग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसा बताया तो आपको ऐसे लिखना है, लेकिन कहानी की जो समरी है वो वैसी होनी चाहिए कि एक दिन एक बीज को बहुत गहराई में बो दिया गया था, उस बीज के अंदर एक छोटा टुकड़ा छिपा हुआ था, छोटा पौधा छिपा हुआ था, और जब पौधे को धीमी हवा का स्पर्श हुआ तब वह जाग गया, और फिर छोटी छोटी बूंदों ने उसे जल देकर बड़ा किया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कॉपी में लिखिएगा, और आपका जो चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर 4 पढ़ेंगे, कबाड़ से जुगाड़। ओके।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।